आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव आज सपा विधायक जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारी के साथ जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। 10 बिंदुवार समस्याओं में सड़कों की बदहाली, गौशालाओं की बदहाली, तहसीलों में भ्रष्टाचार, ब्लॉक सभागार पर भाजपा नेताओं के अड्डे बनने सहित कई मामले शामिल रहे। सपा सांसद ने डीएम में इन समस्याओं को दूर करने को लेकर मीडिया से बातचीत में बताया। आजमगढ़ की विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हर घर नल योजना को लेकर सारी सड़कें खुदी हुई है। योजना का पैसा निकाल कर जनता को समस्याओं में झोंकने का काम किया जा रहा है। किसानों को खाद की समस्या हो रही, गौशालों में गाय सबसे अधिक असुरक्षित है, नहरें सूखी पड़ी है। इसके साथ ही जिले के तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इन सब शिकायतों पर डीएम ने संसाधनों के अभाव का हवाला दिया। सांसद ने कहा कि गरीबों को नहीं मिल रहा है न्याय, अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे। गांव में बहुत सारे ट्रांसफार्मर जले पड़े, गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या है। सगली और गोपालपुर में बाढ़ को लेकर भी चर्चा की गई है। तो पुलिस विभाग के पास दो ही काम बचे हैं, एक भ्रष्टाचार और दूसरा कैसे समाजवादियों को सताया जाए झूठे मुकदमों में। तो बात करेंगे जाके कप्तान साहब से इस मुद्दों पर भी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारे जनप्रतिनिधियों के सभी साथियों के मिलने के बाद जिले की व्यवस्थाओं में सुचारू सुधार आना चाहिए। टोल प्लाजा के और टोल प्लाजा जो एक गंभीर समस्या है मोहम्मदपुर पे, जिसमें जो लोग उस रोड से नहीं गुजर रहे उनसे भी टोल की वसूली की जा रही है, उसके लिए भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को कह के आए हैं। और ये मामला जिलाधिकारी तक ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो देश की संसद तक भी ये मामला उठेगा। और ये मामला उठेगा ही नहीं, इसका स्थायी निराकरण और समाधान भी हम और आरणी लालगंज के हमारे सांसद जी मिलकर हम लोग कराएंगे। और सरकारी अस्पतालों का दवाएं नहीं होने का बहाना देके बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। हालांकि डीएम साहब कह रहे हैं कि सारी दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन डीएम साहब पे इन बातों का जवाब नहीं है कि अगर दवाएं उपलब्ध हैं तो क्या कारण है गरीबों को बाहर दवाएं लिखी जा रही हैं। इसी तरह से तमाम टेस्ट से लेके हर तरह की समस्याएं दी जा रही हैं। आज हम लोग लिखित दे के आए हैं, समय आने पर जरूरत पड़ेगी तो स्थलीय निरीक्षण करके भी और आप मीडिया के साथियों के साथ जाकर जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनको बेनकाब करके कम से कम सरकार को विवश कर देंगे कि वो इस समस्याओं का समाधान करें। सर, बात दवाओं की जा रही है। जिला पंचायत सदस्य पप्पू यादव ने एक वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हो रहा है, जो दवाओं के काफी प्रिंट रेट ज्यादा है, उसको लेकर ज्ञापन भी आपको सौंपा गया है और सांसदों को उन्होंने ज्ञापन भेजा है, क्या उसे भी संसद में उठाया जाएगा इस तरह का? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मार्जिन 90% की मार्जिन जी बिल्कुल। उन तथ्यों में पूरे में प्लाज्मा और रक्त का जो मशीनें है उसको व्यवस्थित करने की, वो उनकी भी खराब स्थिति है, तो क्या उसका भी आप देखेंगे? हाँ बिल्कुल, सारी समस्याएं जो आजमगढ़ के लोगों के सामने हैं उन सभी समस्याओं के प्रति जो हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता ने भरोसा किया, हमारी पार्टी भरोसा किया है, हर समस्या के ऊपर हम लोगों की पैनी नजर ही नहीं है, उनके समाधान का हर रास्ता अख्तियार करेंगे। सर एक चीज पूछना था, सर पहली बारिश में नगर पालिका की जो बदहाली है वो सबके सामने आ गई है, तो नगर पालिका को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ सारी समस्याएं, सारी समस्याओं में नगर पालिका की भी समस्याएं हैं और भी समस्याएं हैं, नगर पालिका की समस्या हम अपने चेयरमैन साहब से बात करेंगे। सर बहुत बड़ी समस्या पूरे प्रदेश की जो शिक्षकों की ऑनलाइन, बिल्कुल उस पर समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शिक्षकों के साथ खड़े हैं और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान तक हम लोग खड़े रहेंगे। और यही नहीं, समस्याएं बहुत हैं, चाहे शिक्षकों की हों चाहे उनकी पुरानी पेंशन की हो, हमारी लड़ाई जारी है, शिक्षा मित्रों की लड़ाई जारी है, रोजगार सेवक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रसोइया हैं, हमारे पंचायत सहायक हैं, ये हमारे सफाई कर्मी हैं, सभी की जितनी भी समस्याएं हैं हर समस्या पर हम समाजवादी लोगों की न केवल निगाह है बल्कि पुरानी पेंशन से लेके जितनी भी समस्याएं, हर समस्या पर जनता ने जो जनादेश दिया है और उस जनादेश में अभी हम लोगों को विपक्ष में संघर्ष करने का आदेश हुआ है, तो संघर्ष में यहाँ से लेके सड़क से लेके और संसद तक विधानसभा होते हुए हम लोग कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक है।